बड़ी खबर मिल रही है जहां पुलिस ने नाकेबंदी कर शहरी नेटवर्क ध्वस्त करने में सफलता प्राप्त की है। आपको बता दें अंतागढ़ नक्सलियों का गढ़ माना जाता है, जहां नक्सलियों की हुकूमत चलती है। इस क्षेत्र में यदि किसी भी ठेकेदार को गांव में काम कराना होता है तो उसे नक्सलियों से परमिशन और उसके लिए काम करना पड़ता है। इसी तारतम्य में पुलिस को एक बड़ा नक्सली नेटवर्क हाथ लगा है, जो राव घाट के सबसे बड़े नक्सली राजू सलाम के लिए सप्लाई का काम कर रहा था। इस व्यक्ति का नाम तापस है, जो बालोद जिले के दल्ली राजरा का रहने वाला है, जो कोयली बेड़ा और आमा बेड़ा क्षेत्र में ठेकेदारी का काम कर रहा था। पुलिस को मुठभेड़ से सूचना मिली थी कि ठेकेदार तापस अपनी गाड़ी में नक्सलियों के लिए इफरात मात्रा में सामान सप्लाई करने वाला है। तभी पुलिस सचेत हो गई और पुलिस ने चेक पोस्ट लगाकर आरोपी को पकड़ लिया। आरोपी बोलेरो वाहन से सामान लेकर जा रहा था। पुलिस ने आरोपी के पास से नक्सली वर्दी, जूते, बिजली वायर, वॉकी टॉकी सहित अन्य सामान भारी मात्रा में बरामद किए हैं। वहीं आरोपी ने पूछताछ में कई अहम खुलासे भी किए। आरोपी पहले भी लंबे समय से नक्सलियों को रुपए पैसे सहित अन्य चीजों में मदद कर रहा था। दिए बयान के आधार पर आरोपी ठेकेदार सहित नक्सली लीडर और चार अन्य पर मामला दर्ज किया गया है। अंतागढ़ से कोयली बेड़ा मार्ग पर तापस को गिरफ्तार किया गया है। सिक्सोड़ थाना का यह पूरा मामला है। लगातार क्षेत्र में सुरक्षा बल के जवान गश्त पर निकलते हैं, पर उनके नाक के नीचे ठेकेदार ने अपने रिश्ते नक्सलियों के साथ मजबूत कर लिए। तापस लंबे समय से नक्सलियों के लिए काम कर रहा था। खैर, अपराध कितना भी शातिर क्यों न हो, कानून से बच नहीं सकता, और यही हालत हुआ नक्सली सहयोगी तापस का। दिनांक 24/3/2020 को मुखबिर से सूचना मिला था कि एक व्यक्ति सफेद रंग के बोलेरो गाड़ी में अपने वाहन में माओवादियों के उपयोग किए जाने वाले वर्दी के कपड़े, जूते, वॉकी टॉकी सेट एवं अन्य उपकरण सामान लेकर मरदा कोतुल कोली बेड़ा इन तीन रोड में कहीं जाने वाला है। इस आधार पर मुखबिर की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन लिया गया और उन्हें अवगत कराते हुए मुखबिर सूचना का हवाला देते हुए तुरंत टीम तैयार करके जिला बल और BSF के बल के साथ में जगह जगह पर नाकाबंदी करके कोली बेड़ा और मरदा कोतुल जाने के तिराहा में जाकर हमारा स्टाफ चेकिंग कार्रवाई की गई। चेकिंग और MCP के दौरान में 8-10 वाहनों को चेक करने के दौरान सफ़ेद रंग की बोलेरो कार आते दिखी, इसे रोका गया और एक व्यक्ति उसे चलाते हुए आ रहा था। उसे पूछताछ करने पर अपना नाम तापस पालित बताया, जो ठेकेदार पेटी कंस्ट्रक्शन का काम करना बताया। उसके बोलेरो वाहन को चेक करे जाने पर गवाहों के समक्ष माओवादियों के उपयोग में ले जाने वाले वर्दी के थान, जूते और वाकी टाकी मिला और कुछ अन्य सामान भी मिला, जिसे गवाहों के समक्ष तुरंत तलाशी पंचनामा लेकर बरामदगी पंचनामा बनाकर उक्त व्यक्ति के खिलाफ विधिक रूप क्रियाकलाप अधिनियम की धारा 10, 13, 17, 38, 1, 2, 40 का अपराध घटित करना पाए जाने से उसे उसके विरुद्ध अपराध कायम कर दिनांक 25/3/2020 के माननीय न्यायालय पेश करके ज्यूडिशियल रिमांड पर भेजा गया है। पूछताछ में काफ़ी नेटवर्क का खुलासा हुआ है और उसकी विवेचना की जा रही है। अन्य शहरी नेटवर्क पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इस प्रकार से माओवादी के शहरी नेटवर्क को ध्वस्त किया गया है और इन पर व्यापक नजर रखी जा रही है। तो अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, और इसी प्रकार के लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए देखना ना भूलें IDP24 News। और हाँ, YouTube में हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।